हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू अरामैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले वो देखिए। मोनिक पॉलिनोमियल मिनिमल इक्वेशन। मोनिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ए पॉलिनोमियल इन एक्स in which the highest coefficient of highest degree is unity is called monic polynomial। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा कि ऐसी x की पॉलिनोमियल होनी चाहिए, x में कोई भी पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री का कोफिशियंट यूनिटी यानी कि 1 हो। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं x क्यूब प्लस 2x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इसका अपने पास x में पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर देखिए आप x की, हाईएस्ट पावर डिग्री की जगह पावर लिख लीजिए यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ x, x की हाई 3 है यहाँ पे, और इसका कोफिशियंट यानी इसका मल्टीपल 1 है। देन दिस इज द मोनिक पॉलिनोमियल, इज मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और लिखती हूँ, x5 प्लस x3 प्लस x6 3x7 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखिए मोनिक पॉलिनोमियल, x की पावर 5, 3, 6 एंड 7, तो हाईएस्ट पावर x की पावर 7 है। तो हम इसका कोफिशियंट चेक करेंगे, कैसा कोफिशियंट 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है। देन दिस इज नॉट ए मोनिक पॉलिनोमियल, इज नॉट मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें चेक करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 8, ठीक है, तो इसका कोफिशियंट 1 है। देन दिस इज मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये होते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। नाउ बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम हमने पढ़ा था कि एवरी मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किससे होता है, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। इसका मतलब अगर आपके पास एफ ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स इक्वल टू 0 है, ध्यान से देखना, हमने क्या करा यहाँ पे, कोई भी पॉलिनोमियल वहाँ पे हमने x के प्लेस पे यानी हमने a को रिप्लेस कर दिया, दैट मीन्स a सेटिस्फाइज द इक्वेशन इन x, ठीक है। अभी हमने कहा कि हर एक मैट्रिक्स जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, दैट मीन्स अगर f ऑफ a इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स a सेटिस्फाइज इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। कैपिटल ए मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स ए है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि हम लेके चले एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। देन वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज एनिहिलेट्स इक्वेशन। देन वी कैन से दैट पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एनिहिलेट इक्वेशन,
एनिहिलेट्स मैट्रिक्स ए, ठीक है, मीन्स ए अगर एफ ऑफ एक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब इसकी डेफिनेशन समझिए, अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो को। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वेशन जो पॉलिनोमियल जो बनेगी, इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे अनहिलेट्स द मैट्रिक्स ए एंड द पॉलिनोमियल एफ एक्स एंड द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम डेफिनेशन करते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल एंड मिनिमल इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है? ऐसी पॉलिनोमियल जो मोनिक भी हो, ठीक है, और जो मैट्रिक्स किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। देन इसी रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए दे रखा है, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए क्या बनती है, हम पढ़ चुके हैं पीछे, ए माइनस लैम्डा आई, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, इक्वल टू जीरो। देन अगर हम ये रिजल्ट अप्लाई करें, ए मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, अब हमें ये पता है कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स ए, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम हम क्या कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ ए विच एनिहिलेट्स द मैट्रिक्स ए। क्यों ये पॉलिनोमियल ए को एनिहिलेट्स कैसे करती है, ए को कवर कैसे करती है? क्योंकि मैट्रिक्स ए जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है बाय द कैले हैमिल्टन थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, और यही थ्योरम यही कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है कि अगर कोई मैट्रिक्स किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाती है तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल जो वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बोली जाएगी मैट्रिक्स ए की। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करेंगे कि क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी मैट्रिक्स की सेटिस्फाई होती है मैट्रिक्स से, ठीक है, तो जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी उसको हम बोलेंगे एनिहिलेट्स मैट्रिक्स ए, क्योंकि वो ए से सेटिस्फाई हो जाता विद लीडिंग कोफिशियंट, लीडिंग कोफिशियंट इज यूनिटी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, देन एफ ऑफ एक्स इज ए मिनिमल कॉल्ड ए मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसी पॉलिनोमियल सबसे छोटे डिग्री की होनी चाहिए, ऐसी पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी है, मतलब वो मोनिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करती हो, ओके, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द मिनिमल पॉलिनोमियल। और मिनिमल इक्वेशन कैसे बनती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ले लेते हैं तो ये बन जाती है मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन, सॉरी। ठीक है, पॉलिनोमियल को अगर इक्वल टू जीरो रख देते हैं तो मिनिमल इक्वेशन। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। द डिग्री ऑफ द मिनिमल इक्वेशन ऑफ एन एन स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन्स आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है एन क्रॉस एन की, और इसकी जो मिनिमल इक्वेशन होती है दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द दैट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज एन। अब देखिए मैट्रिक्स दे रखी है एक ए मैट्रिक्स एन क्रॉस एन ऑर्डर की, ठीक है, देन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वो क्या निकलेगी आपके पास, एन डिग्री की। उसकी जो डिग्री होगी ना, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो डिग्री ऑफ
ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स एन क्रॉस एन इज एन डिग्री। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसकी उतने ही ऑर्डर की होती है, ठीक है, 3 पावर में 4 पावर में n पावर में। तो nth ऑर्डर की है तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी n ऑर्डर की, ठीक है, n डिग्री की। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर हम डिग्री मिनिमल इक्वेशन की चेक करते हैं, मिनिमल इक्वेशन की चेक करेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के इक्वल ही आती है अगर मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की गिवन है। नेक्स्ट कहता है मिनिमल पॉलिनोमियल इज यूनिक, जो किसी भी मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल निकालते हो वो यूनिक होती है। थर्ड इज़ अ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइ लैम्डा इक्वल टू जीरो, मीन्स ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, हम कैसे निकालते हैं इसको, ए माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा में इक्वेशन आती है हमारे पास, ठीक है, तो उसको हमने लिख दिया फाइ ऑफ लैम्डा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, आर ऑल्सो द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द मिनिमल इक्वेशन, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट होंगे वही रूट मिनिमल इक्वेशन के होंगे। मिनिमल इक्वेशन इसने एम ऑफ लैम्डा से शो कर दिया ऑफ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट कहते हैं कि इफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑल डिफरेंट, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स अगर हमने फाइंड आउट किए किसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, इसको सॉल्व करते हैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये होते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की दे रखी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे, अगर वो सारे डिफरेंट हैं देन इट्स मिनिमल इक्वेशन इज ऑल्सो एन डिग्री, तो इसकी मिनिमल इक्वेशन भी एन डिग्री की होगी बिकॉज लैम्डा की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आएंगी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे डिस्टिंक्ट दे रखे हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वही मिनिमल इक्वेशन आपके पास इक्वेशन का होता है, ठीक है, कि जितने पावर में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है लैम्डा की उतने ही पावर में आपके पास बनेगी मिनिमल इक्वेशन, अगर सारे डिस्टिंक्ट हैं तो हमारे पास सेम हो जाएगा इनका nth डिग्री की यही आएगी अगर ये n डिग्री की है। तो इफ फाई ऑफ लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है, एम ऑफ लैम्डा मिनिमल पॉलिनोमियल दे रखी है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिजल्ट से, अगर एक भी अगर आपके पास दे रखी है तो रिलेशन बनता है फाइ ऑफ लैम्डा इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एन एम ऑफ लैम्डा, जहाँ पे फाइ ऑफ लैम्डा क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एम ऑफ लैम्डा इज द मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है, एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अगर एन क्रॉस एन ऑर्डर की है। तो डेरोगेटरी एंड नॉन डेरोगेटरी मैट्राइसिस क्या होते हैं, डेरोगेटरी मैट्राइसिस क्या होती है, डेरोगेटरी मैट्रिक्स ए एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डेरोगेटरी इफ डिग्री ऑफ मिनिमल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन एन आज, ठीक है, ध्यान से समझना, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास एन स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन क्रॉस एन, ठीक है, अभी अपने पीछे रिजल्ट किए थे इसके हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, यहाँ से हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं, इनसे फिर हम मिनिमल पॉलिनोमियल बनाते हैं, इनके रिलेशन मैंने सारे बता दिए हैं आपके पास कैसे कैसे बनानी मिनिमल पॉलिनोमियल, एंड अभी न्यूमेरिकल करवाएंगे उससे कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन ये कहता है कि डेरोगेटरी मैट्रिक्स वो बनेगी जिसमें मिनिमल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स लेस देन एन आ जाए, दैट मीन्स अगर लैम्डा की वैल्यू, अभी हमने पढ़ा था कि लैम्डा की अगर वैल्यू आ जाती है डिस्टिंक्ट आ जाएंगी, अगर लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा किससे निकाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, अगर लैम्डा की वैल्यूज ऑल आर डिस्टिंक्ट हैं देन मिनिमल जो आप इक्वेशन निकालते हो डिग्री ऑफ मिनिमल इक्वेशन एन बनती है, इससे पीछे हमने जो रिजल्ट किया है वहाँ पे हमने बताया, देन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेरोगेटरी मैट्रिक्स वो बनेगी
जिसके अंदर मिनिमल इक्वेशन की जो डिग्री है वो एन से लेस आ जाए. दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू, मान लीजिए कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3x3 की, और लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 1, 2 एंड 2, दो मैट्रिक्स सेम आ गए. अगर लैम्डा की वैल्यू कितनी आएंगी, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, 3 वैल्यू आ गई, बट इसमें 2 सेम है. ठीक है, तो इस टाइप से जो इन वैल्यूज़ का यूज़ करके जो हम मिनिमल इक्वेशन बनाएंगे, मिनिमल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे डेरोगेटरी मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स को बोला जाएगा डेरोगेटरी मैट्रिक्स. समझ गए? और नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स इन विच डिग्री ऑफ मिनिमल इक्वेशन इज इक्वल टू एन आ जाता है. ठीक है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू अगर ऑल आर डिस्टिंक्ट आ जाती हैं, तो इस इक्वेशन को जो मिनिमल इक्वेशन निकल के आएगी एन डिग्री की आएगी, तो हम उस मैट्रिक्स को जिससे हमने मिनिमल इक्वेशन बनाई, जिससे हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बना के फिर मिनिमल लेके आए हैं, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स. समझ गए? तो जिस मैट्रिक्स का यूज़ करके जितने भी ऑर्डर की दे रखी है, अगर उसकी मिनिमल इक्वेशन एन उसके ऑर्डर से लेस आ जाती है, डिग्री ऑफ मिनिमल इक्वेशन अगर ए के ऑर्डर से लेस आ जाती है, तो डेरोगेटरी मैट्रिक्स बोला जाता है. और अगर डिग्री ऑफ मिनिमल इक्वेशन ए मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल आ जाती है, जितना भी ऑर्डर गिवन होगा मैट्रिक्स ए का, उसको बोलेंगे हम नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्कैलर इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1. यानी आपको शो करना है कि अगर ए मैट्रिक्स स्कैलर मैट्रिक्स बनती है तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल 1 डिग्री की होगी, और अगर इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल 1 डिग्री की है तो ए मैट्रिक्स स्कैलर बनेगी. ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लेके चलते हैं, लेट ए इज ए स्कैलर मैट्रिक्स. क्या होता है स्कैलर मैट्रिक्स? स्कैलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. एन ऑर्डर की हमने स्कैलर मैट्रिक्स ले ली. स्कैलर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल जो एलिमेंट जो वो सेम होते हैं, और वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है. तो इसको हम कैसे बनाएंगे? डायगोनल मैट्रिक्स में ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0. ठीक है, तो हम इसको अल्फा ले लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज को 0 अप टू सम 0, 0 अल्फा अप टू सम 0, 0 0 और यहाँ पे अल्फा. ये हमने ले ली एन क्रॉस एन ऑर्डर की स्कैलर मैट्रिक्स. स्कैलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. ठीक है, एंड नॉन जीरो, सेम भी और नॉन जीरो भी होनी चाहिए. नाउ ये हमें स्कैलर ले लिया, हमें शो करना है कि इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल 1 डिग्री की होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अल्फा कॉमन ले लेते हैं. अल्फा कॉमन लेके चलेंगे तो अल्फा की जगह 1 आ जाएगा अप टू सम 0, 0 अप टू सम यहाँ पे चलते रहेंगे 0 0 1, तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू कितने ऑर्डर की चल रही है, एन क्रॉस एन ऑर्डर की, तो आई एन एन क्रॉस एन ऑर्डर की आ जाएगा. ठीक है, देन ए माइनस अल्फा आई एन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0. ये आप ऐसे भी ले सकते हो कि यहाँ पे देखें तो ए मैट्रिक्स जो वो सेटिस्फाई कर रही है एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0 को, बिकॉज एक्स की जगह पे अगर हम ए रखते हैं तो अल्फा इंटू आइडेंटिटी करते हैं, कॉन्स्टेंट इंटू आइडेंटिटी. तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन आती है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. ओके, देन एक्स माइनस अल्फा कितने डिग्री की है, एक्स की पावर 1 है यहाँ पे, देन इट्स मिनिमल मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. तो यहाँ पे इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल 1 डिग्री की आ जाती है. कन्वर्स पार्ट शो करते हो तो हम लेट करके चलेंगे कि मैट्रिक्स ए हैज अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री
वन, ठीक है। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास वन डिग्री की है देन एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, ये मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाएगी। देयरफॉर ए सेटिस्फाइज इट्स मिनिमल इक्वेशन एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट इसको सेटिस्फाई करवाएंगे तो एक्स की जगह पे हमने ए रख दिया, माइनस ये ए ले लो चाहे अल्फा ले लो, ए इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा इक्वल टू जीरो, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी, देन ए इक्वल टू ए इंटू आई एन, यानी कि ए हमारे पास ए इंटू आइडेंटिटी एन, और ये क्या थी स्केलर मैट्रिक्स थी इस टाइप से, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द मिनिमल इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड शो दैट मैट्रिक्स ए इज नॉन डेरोगेटरी। चलिए सबसे पहले तो आप इसके रूट्स फाइंड आउट कीजिए, करैक्टरिस्टिक रूट्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लेके चलते हैं। ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, मैट्रिक्स ए दे रखी है आपके पास, वन माइनस लैम्डा टू थ्री, फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, जीरो माइनस फोर माइनस लैम्डा टू, जीरो जीरो सेवन माइनस लैम्डा एंड इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, करैक्टरिस्टिक रूट्स। क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट निकालते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई ऑफ इट्स डायगनल एलिमेंट, देन वन माइनस लैम्डा माइनस फोर माइनस लैम्डा इंटू सेवन माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, देन लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, वन माइनस फोर एंड सेवन, ठीक है। तीनों को सेपरेट जीरो रखोगे तो ये हमारे पास आगे कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है। नाउ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर डिस्टिंक्ट, सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। देन हमने रिजल्ट किया था कि अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स डिस्टिंक्ट आते हैं देयरफॉर डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड मिनिमल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए आर सेम एंड हैव बोथ हैव सेम रूट्स, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स डिस्टिंक्ट आते हैं देन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और जो मिनिमल इक्वेशन आएगी उसके डिग्री भी सेम होगी और रूट्स भी सेम होंगे। दैट मीन्स हमें यहाँ से क्या मिल गए, रूट्स मिल गए किसके, मिनिमल इक्वेशन के। तो इनका यूज़ करके हम यहाँ से मिनिमल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर एक्स माइनस वन एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो इज द मिनिमल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मिनिमल इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की है और इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने डिग्री की आ रही है, थ्री डिग्री की। यहाँ पे एक्स की पावर जो थ्री आएगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल या मिनिमल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज थ्री, विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब ए का ऑर्डर कितना था, थ्री क्रॉस थ्री, ठीक है। तो ए का ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री, और हमने ये रिजल्ट किया था कि अगर मिनिमल इक्वेशन मैट्रिक्स ए की ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स, नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर डिग्री, ये नॉन डेरोगेटरी कैसे बनी है, देखिए मिनिमल इक्वेशन बनाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स से, अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स डिस्टिंक्ट आते हैं तो मिनिमल इक्वेशन इतने ही ऑर्डर की, इतने डिग्री की बनेगी जितना ए का ऑर्डर होगा, ठीक है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यहाँ पे दो भी सेम आ जाते हैं तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट बने टू, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, अगर मेरे पास ये आते वन थ्री एंड थ्री लैम्डा की इक्वेशन तो यहाँ पे दो रूट सेम आ जाते, समझ गए। तो यहाँ से जब हम मिनिमल पॉलिनोमियल कब बनाएंगे तो वो बनेगी टू डिग्री की, दैट मीन्स लेस देन ऑफ थ्री ऑर्डर, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास डेरोगेटरी मैट्रिक्स। तो नॉन डेरोगेटरी कब बनती है, जब डिग्री ऑफ मिनिमल इक्वेशन इक्वल आ जाती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के,
तो मैट्रिक्स हमारी बोली जाती है नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए एंड शो दैट इट इज़ अ डेरोगेटरी मैट्रिक्स. देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, उससे हम फाइंड आउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं लैम्डा की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी. टू टू माइनस वन, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना. डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है और इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएंगी टू टू एंड माइनस वन. ठीक है, थ्री वैल्यूज हैं वेयर टू वैल्यूज आर सेम. ठीक है, देन अब हमें क्या देखना है कि अगर यहाँ पे वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, देन मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास डायरेक्ट आ जाती, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स इक्वल होते हैं, तो इन्हीं रूट से हम मिनिमल इक्वेशन यानी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर यहाँ से अगर इस रूट्स सेम आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मिनिमल पॉलिनेट एम ऑफ लैम्डा इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए, देन एम ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू बिकॉज एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस यानी x प्लस वन, दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल. ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना कि इन्हीं तीनों को लेके हम मिनिमल पॉलिनोमियल बना देंगे. अगर डिस्टिंक्ट रूट है देन हम डायरेक्ट मिनिमल पॉलिनोमियल बना सकते हैं बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स सेम एज द कैरेक्टर रूट्स ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल. ठीक है, अगर सेम आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x माइनस टू एंड x प्लस वन बिकॉज देर आर टू फैक्टर्स ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वेशन. ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल. नाउ ये हम लेके चले हैं कि दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए. अब हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या ये मैट्रिक्स ए की मिनिमल पॉलिनोमियल बनती है या नहीं. वो हम कैसे चेक करते हैं, डेफिनेशन ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल रिवाइज कीजिए, क्या थी कि लीडिंग कॉफिशियंट सॉरी लीडिंग जो अपने पास कॉफिशियंट वन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल वन है यहाँ पे. सेकंड, अगर मैट्रिक्स ए मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाती है देन दिस इज द मिनिमल इज कॉल्ड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए. ठीक है, यानी ये तो हम लेके चले हैं कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है. अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, फर्स्ट वी चेक, ये हमने एम ऑफ सॉरी लैम्डा नहीं एक्स लेके चलेंगे, एक्स में है वाई. फर्स्ट वी चेक एम ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, दिस इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए और नॉट. क्या ये इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये चेक कैसे करोगे. इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, अगर ए इसको सेटिस्फाई कर जाता है दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू इक्वल टू टू इंटू आई, आइडेंटिटी लेना पड़ेगा, मैट्रिक्स आ चुकी है यहाँ पे. अगर ये इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जीरो आ जाती है देन मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द एम ऑफ एक्स यानी इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाएगी और ये पॉलिनोमियल हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाएगी. तो यहाँ से सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए इंटू ए ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना, बहुत लंबा हो जाएगा. ए की वैल्यू रखोगे यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, लेफ्ट हैंड साइड इज ए स्क्वायर, ए की वैल्यू निकालोगे ए इंटू ए यानी इसी की मल्टीप्लाई इसी के साथ करोगे. ठीक है, ए इंटू ए लेके चलोगे. नेक्स्ट इज माइनस ए माइनस टू इंटू आइडेंटिटी. ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे हम माइनस ए माइनस टू इंटू आइडेंटिटी, ए स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस ए की वैल्यू रखोगे. ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे ए माइनस टू इंटू यहाँ पे आइडेंटिटी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की,
क्योंकि हमारी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की चल रही, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर अगर 0 आ जाता है दैट मीन्स मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन बिकम्स द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया कि ये मैट्रिक्स हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स डेरोगेटरी है या नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं कि ये हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल बनती है, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल बोले क्वेश्चन बोले यहाँ पे क्या बनती है 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर में आई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री हो जाएगी 2 विच इज लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ ए क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर की है, तो 2 हमारा आ गया लेस देन ऑर्डर ऑफ ए लेस देन 3, देन मैट्रिक्स ए इज डेरोगेटरी मैट्रिक्स। देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, हमें डेरोगेटरी प्रूव करना था। अगर इसी टाइप से क्वेश्चन आ जाता है और हमें उसको नॉन डेरोगेटरी प्रूव करना है, एक हम इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें लैम्डा की डिस्टिंक्ट वैल्यू थी, अगर लैम्डा की दो वैल्यू सेम आ जाती हैं और फिर भी ए मैट्रिक्स हमारी नॉन डेरोगेटरी शो करनी हो तो उसको कैसे करोगे। लैम्डा की दो वैल्यू यहाँ पे सेम आ गई, हमने मिनिमल ये लेके चले हैं कि हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल है, ये दो वैल्यू सेम आ रही हैं इससे हम पॉलिनोमियल लेके चलेंगे। ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, यही एग्जांपल तो डेरोगेटरी है यहाँ पे मैट्रिक्स। ठीक है, अगर नॉन डेरोगेटरी शो करना हो उसके लिए देखिए लैम्डा की दो वैल्यू सेम है हमारे पास, तो 2 डिग्री की बनेगी हमारी मिनिमल ये हम लेके चलेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे क्या ये मिनिमल पॉलिनोमियल बनती है फॉर मैट्रिक्स ए के लिए। वो हम कैसे करते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं मैट्रिक्स ए से, हम फाइंड आउट करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2i और वो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो मैट्रिक्स डेरोगेटरी हो गई। ठीक है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, इक्वल टू 0 आते ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दिस इज नॉट ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो क्या बनेगा यहां से कि डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 डिग्री में तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 2 से ग्रेटर आ जाएगी, तो हमारे पास जो रूट्स आए हैं दिस इज एक्स माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि x-2 दो बार इसके फैक्टर लेके चलेंगे, फिर हम x-2 x+1 एंड x-2 एंड x+1 दिस इक्वल टू 0, दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स ए इज द नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है इस एग्जाम्पल में नहीं करना, अदर नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे दे रखा है इसमें आपके पास, तो उसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, मैट्रिक्स ये दे रखा है, इससे हम लैम्डा की वैल्यू यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट करते हैं। अगर रूट्स सेम आ जाते हैं तो उससे हम फैक्टर बनाएंगे x-2 एंड x+1, क्योंकि यहाँ पे दो रूट सेम है तो फैक्टर सबसे पहले बनेंगे x-2 x+1, दो फैक्टर लेके चलेंगे, इससे हम पॉलिनोमियल बनाएंगे, उसको मिनिमल प्रूव करेंगे। अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है तो पॉलिनोमियल हमारी मिनिमल है, और जो आपके पास आए क्योंकि ये इसकी डिग्री इसके ऑर्डर से लेस है तो हमारे पास मैट्रिक्स है डेरोगेटरी है। ठीक है, और अगर यहाँ पे दो रूट सेम दिखा रहा है, लैम्डा के दो वैल्यू सेम आ रही हैं, ठीक है, देन यहाँ तक सेम चलेंगे, मैट्रिक्स हमने पॉलिनोमियल बनाई, यहाँ पे मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करवाएंगे, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है देन दिस इज़ नॉट ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या क्या मिलेगा कि डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल 2 डिग्री की हो ही नहीं सकती क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ग्रेटर देन 2 रहेगी। ठीक है, 2 से ग्रेटर रहेगी तो हम इससे इसके तीनों फैक्टर ले लेते हैं x-2 x-2 x+1, इससे बनाएंगे मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इसके जो डिग्री आ रही है x यहाँ से x स्क्वायर यहाँ से इसकी डिग्री क्या आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री निकल के आई 3 दिस इज इक्वल टू ऑफ मैट्रिक्स ए, देन मैट्रिक्स हमारी बनेगी नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट 3rd चैप्टर, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 ऑफ मैथ्स अलजेब्रा, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।